चलिए भाई ध्यान दीजिए, तो यहां पे जो बातें कर रहे हैं साइनो, जो आप लोगों को बुकलेट दिया गया है, तो 321 से 340 तक, यानी कि 20 आपको साइनो याद करके लाना है, आपका एंटोनिम से भी सेम 321 से लेकर 340 तक, यानी कि 20 आपका यहां से भी वर्ड याद करना है। उसके बाद आपका स्पेलिंग टेस्ट ये भी सेम पैटर्न 321 से लेकर 340 तक याद करके लाना है। उसके बाद इडियम एंड फ्रेज ये भी आपका सेम पैटर्न 321 से लेकर 321 से लेकर 340 तक, और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 321 से लेकर 340, यानी कि आपका साइनो एंटो इडियम वन वर्ड या आपका स्पेलिंग टेस्ट, यानी कि पांचों पार्ट से 20-20 याद करके लाना है। अब आप सोचेगा कि सर 100 वर्ड एक दिन में याद करें, तो मेरे भाई याद करना पड़ेगा। जब आपका समय कम है और डिस्टेंस ज्यादा है तो चार ऑटोमेटिक क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपके जो बुक में, आपके जो बुकलेट में, उसमें जो प्रीवियस टोटल 2021 2022 2022 तक एक्चुअली जो भी क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से क्लोज टेस्ट भी ध्यान देंगे। क्लोज टेस्ट जो आपका दिया हुआ है, तो क्लोज टेस्ट का नंबर ध्यान दीजिए 6 नंबर और 7 नंबर क्लोज टेस्ट, ये दोनों बना के लाना है। क्लोज टेस्ट नंबर 6 और 7, क्लियर? क्लोज टेस्ट नंबर 6 और 7। और इसके साथ ही साथ ध्यान दीजिए सेंटेंस अरेंजमेंट भी। सेंटेंस अरेंजमेंट कहां से बनाना है ध्यान दो। सेंटेंस अरेंजमेंट आपके बुकलेट में जो दिया हुआ है, उसमें 51 से लेकर 60 तक बना करके लाना है। फाइनली आपका होमवर्क जो मिला, कल भी क्लास रहेगा, कल क्लोज नहीं है। फाइनली आपका होमवर्क वोकैब से आपका 120 साइनो, 20 एंटो, 20 वन वर्ड, 20 स्पेलिंग और 20 इडियम फ्रेज, और फिर यहां से क्लोज टेस्ट 2-2, यानी कि 10 क्वेश्चन यहां से और सेंटेंस अरेंजमेंट भी आपका यहां से। आज तो जानबूझ के कुछ से हमने नहीं पूछा, जानबूझकर हमको पता था उसको याद नहीं, ऐसा मत सोचिए कि आज हम बच गए। आज हम जानबूझकर ना पूछो, हर चेहरा हमको पता है जो याद करके नहीं आया था, समझ गए ना? लेकिन अगले क्लास से किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं। और जिनके पास मान चले कि अभी प्रेजेंट में बुक नहीं है, वो टेलीग्राम पे भी हम वोकैब डाल दिए थे। टेलीग्राम पे आप जाकर के टेलीग्राम पे जाइएगा और वहां पे जाकर आप सर्च मारिए ड्रीमर्स इंडिया, लेटर सही सही लिखिएगा ड्रीमर्स, DREAMERS, ड्रीमर्स इंडिया आप सर्च मारिएगा। हमारा उस पर फोटो भी लिखा हुआ रहेगा, ड्रीमर्स इंडिया भी लगा हुआ रहेगा, क्लियर? उस पर ज्वाइन कर जाइएगा उस पर, हालांकि मैंने वो कैप को डाल दिया है, क्लियर? और कल से कोई एक्सक्यूज नहीं। अब आइए फिर हम लोग, चूंकि देखिए सब पार्ट को लेकर चल रहा है, वो कैप से आपका 10 को क्वेश्चन रहना था 25 में, आपका क्लोज टेस्ट से आपका 5 को क्वेश्चन रहना तय है, सेंटेंस अरेंजमेंट से आपका 2 को क्वेश्चन रहना तय है, ग्रामर से आपका 8 को क्वेश्चन रहना तय है। तो अगर इसमें से हम किसी भी पार्ट को छोड़कर चलेंगे तो पॉसिबल नहीं। आप देखिए सीएचएसएल वाला आंसर किया है, इंग्लिश से कितना क्वेश्चन तुम्हारा सही हुआ, 25 क्वेश्चन में 22 उसका सही है। ऐसे नहीं बोल रहे कि हम आपको, अगर एक महीना भी समय है, एक महीना अगर आप चल दिए साथ में, तो हम आपको बिलीव दिलाते हैं मेरे भाई कि 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो टूटने नहीं देंगे। आपको देखा हाल आपका कहानी है क्लास के स्टूडेंट्स, 25 में उसका 22 सही है, टोटल कितना सही है 72। दुनिया कोई ताकत उसका रिजल्ट नहीं रोक सकता है सीएचएसएल में। मेंस के लिए भी अब तैयारी भी पूरा जम के वर्क करना पड़ेगा, मेंस में भी हम ही सबसे ज्यादा साथ देंगे, क्योंकि वहां मेंस में भी हम 40 क्वेश्चन लेकर बैठे हुए, 40 क्वेश्चन सब आपका 25-30 में रहेगा, लेकिन हम 40 क्वेश्चन लेकर बैठे हुए, आज सेम पैटर्न रहेगा, सेम लेवल रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन केवल ज्यादा रहेगा। एक उसमें इंक्लूड करेगा क्या चीज मेंस में, तो आपका इंक्लूड करेगा केवल कॉम्प्रिहेंशन, समझ गए ना? कॉम्प्रिहेंशन के केवल उसमें इंक्लूड करेगा, बाकी वही क्लोज टेस्ट यही सेंटेंस टोटल आपका यही रहेगा। चलिए अब हम लोग ग्रामर से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए अपन ग्रामर में
पिछले क्लास में हम लोग देखे हुए थे कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होने की वजह से, क्योंकि मापने तोलने वाले चीज होता है और अनकाउंटेबल होने की वजह से क्या होता है, सिंगुलर होता है और भर भी कैसा लेता है, सिंगुलर भर लेता है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होने की वजह से सिंगुलर और भर कैसा, आगे अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग बात करने वाले हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसका बात करने वाले हैं दोस्त, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। जरा समझिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं, इसका नाम ही है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव। बचपन में रट्टा मारे थे, भाववाचक संज्ञा भाव बोलते हैं ना, यानी कि फीलिंग्स। क्या चीज, फीलिंग्स। अब समझिए भाववाचक संज्ञा, डेट मीन्स भाव को कोई देख पाता है क्या, कोई फीलिंग्स को देख पाता है क्या। अब जरा तू ही लोग सोचो मेरे भाई, फीलिंग्स को तुम देख नहीं पाते हो तो छू पाओगे, और जिस चीज को तुम छू नहीं पाओगे उसको कभी तुम काउंट कर पाओगे, कभी काउंट नहीं कर सकते हो। अब देखो हमने बोला ऑनेस्टी, क्या बोला, और मान के चलो हमने एग्जाम्पल के तौर पे तुमसे बातें किया, क्या चीज की, ऑनेस्टी की, ईमानदारी, राइट, क्या चीज, ऑनेस्टी। हमने बात किया ब्रेवरी, बहादुरी, क्या हमने बात किया, ब्रेवरी, ऑनेस्ट, ईमानदारी। कोई देखा है, तूने फील किया है कि तुम्हारे नजर में सामने वाला क्या ईमानदार है, और उसी व्यक्ति को किसी और ने फील किया है तो ईमानदार नहीं है, बहुत बेईमान व्यक्ति है। ये दोनों क्या चीज पे डिपेंड हुआ है, क्या चीज पे, फीलिंग्स पे, क्या चीज पे, फीलिंग्स पे। बात समझ रहे ना, उसी तरह ब्रेवरी, और तूने उसको महसूस किया कि बंदा बहादुर है, बंदा क्या है जी, लीडर है, बहादुर है। और उसी व्यक्ति को किसी और ने फील किया है कि बहादुर नहीं है, डरपोक है। ये दोनों क्या चीज पर डिपेंड किया है, फीलिंग्स पे, एहसास किया है तूने। और जो चीज को तूने बस फील किया है, कोई देख तक नहीं पाया है, उसको तूने छू तक नहीं पाया है, उसको कभी काउंट कर पाओगे। और देख लो वही बात कर दे, लव, लव, इसको कोई देख पाया है जी, हम इसको केवल ही केवल क्या करते, फील करते, क्यों बहुत ही ज्यादा मुझसे लव करता है या मुझसे बहुत ज्यादा लव करते, इसको केवल ही केवल हमने क्या किया, फील किया, महसूस किया। अगर ये मापने तोलने वाले चीजें होता तो इसमें ज्यादा धोखा नहीं मिलता, मिलता कभी धोखा, जैसे कोई बोलता कि हाय जानू हम तुमसे बहुत ज्यादा लव करते, तब बोलते अच्छा चलो इधर आओ, तुरंत निकालते थर्मामीटर और जांच कर लेते, तू तो बोल रहे थे कि हम बहुत ज्यादा लव करते हैं, तुरा 5 डिग्री से ज्यादा बढ़िया नहीं रहा है, राइट। लेकिन ये तुम्हारा मापने तोलने वाली चीजें नहीं है, ये लव जो आ गया आपके फीलिंग्स पे डिपेंड कर गया। हाँ सही बात है, तो क्या चीज पे डिपेंड कर गया, इसलिए लाइफ में देखते नहीं हो, तुम कोई सामान खरीदने गया मार्केट में, गया सब्जी लिया, अब तू सब्जी लिया बोला कि भाई साहब हमको 1 kg दीजिए, अब तुमको उस पर डाउट हुआ, कहीं और जाकर उसको तोलाओगे तो देखोगे 600 ग्राम, जाकर उसके पास फेंकोगे, अरे तू तो 600 ग्राम ही दिया, झूठ का है बोला, तुम उसको प्रूफ कर सकते हो, लेकिन लव को कोई पैमाना नहीं है। हाँ लव करते हैं तो करते हैं, आपको फील करना पड़ेगा, बस हम आदमी से लव करते हैं जब तक कि किसी और का कॉल पकड़ ही ना आ जाए, आपको महसूस करना पड़ेगा कि मेरा लव आप ही को। अलग बात रहा कि आपकी मम्मी याद की आपको, छींक आया और सामने वाला पास कॉल गया, जानू तू मुझे याद कर रहा था क्या, देखो छींक आया, अरे क्या बात करते हो। अलग बात रहा कि कॉल अभी कहीं और लगा था, फिर बोलेगा अरे हम तुम्हारे अलावा किसी और को याद ही नहीं करते, राइट। कहने का मतलब कि सब के सब क्या चीज पे डिपेंड करता है, फीलिंग्स पे, और फीलिंग्स वाली चीजें कभी देखा या छुआ नहीं जा सकता, और जो चीजें देख या छू नहीं सकते हैं वो कभी भी काउंट किया जा सकता, अगर काउंट नहीं किया जा सकता तो काउंटेबल की अनकाउंटेबल, क्या चीज, अनकाउंटेबल। कहने का बात मेरे दोस्त ये ध्यान दो, ये तुम्हारा काउंटेबल हुआ कि अनकाउंटेबल, ये सब का सब तुम्हारा हो गया अनकाउंटेबल, और जैसे ही आपका हुआ ये अनकाउंटेबल तो अनकाउंटेबल आपका सिंगुलर की प्लुरल, अनकाउंटेबल होने की वजह से क्या होगा जी, सिंगुलर
सिंगुलर हो गया, क्या हो गया सिंगुलर हो गया। और जब सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसा लगा जी, वर्ब अपने साथ कैसा लगा, ये भी अपने साथ वर्ब भी कैसा लगा जी सिंगुलर लगा। तो लव इज ब्लाइंड की लव आर ब्लाइंड, ऑनेस्टी इज की ऑनेस्टी आर। पहला पॉइंट हमने देखा मेरे भाई मेरे दोस्त कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन चाहे ऑनेस्टी बोले या डिसऑनेस्टी बोले या लव बोले या ब्रेवरी बोले या कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले या अनकाउंटेबल होने की वजह से सिंगुलर की प्लुरल सिंगुलर। और एक और बात माइंड में सेट कर लेना मेरे दोस्त कि जो चीजें अनकाउंटेबल होता है क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है उसके अंत में, उसके अंत में एस या तो ईएस का यूज नहीं करते हैं। जो चीजें अनकाउंटेबल होता है उसके अंत में एस या ईएस लगाकर कभी उसका हम प्लुरल नहीं बना सकते। समझ पा रहे मेरे बात को ना, गलती से भी अगर हम बोले कि ऑनेस्टी का क्या चीज का जी, ऑनेस्टी का हम बना दे एच ओ एन ई एस टी आई ई एस, तो गलत के सही गलत हो जाएगा। उसी तरह गलती से भी हम सोचे लव का बनाने के लिए एल ओ वी ई एस, तो सही की गलत, सही की गलत, 100% गलत। अब कितने के माइंड में ये बातें आ रहा होगा का बात करते हैं सर, कितने बार हम लोग बोले हैं लव्स, बोले कि ना बोले, कितने बार बोले हैं कि सी लव्स मी, क्या बोलते हैं जी सी लव्स, सी लव्स मी, एक बार नहीं हजार बार बोले कि सी लव्स मी। तो मेरे दोस्त अच्छा बोले कि ना बोलते, बोलते कि ना बोलते, तो सी लव्स मी ये बोलते हैं आप, तो क्या गलत बोलते हैं? यहाँ भी लव में एस लगा, बट ध्यान देंगे मेरे भाई हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब ये नाउन के रूप में आएगा, इसके रूप में नाउन के रूप में आएगा, तब इसके अंत में हम एस या ईएस का यूज नहीं करते, एस या ईएस का यूज नहीं। कब हम एस या ईएस का यूज करेंगे, जब ये वर्ब के रूप में आएगा। यहाँ पे क्या है, सी आपका सब्जेक्टिव केस में है, सी आपका कौन केस में है जी सब्जेक्टिव केस में है, और लव अपना कौन केस में है वर्ब के केस में। और जब ये वर्ब के रूप में आएगा तो अपने अंत में एस या ईएस लेगा, लेकिन जब नाउन के रूप में आएगा तो उसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं। समझ गए ना, जैसे कि हम ये बात तो बोले माई लव, यू आर माई लव, यू आर माई। अब देखो हमने बोला कि तू ही मेरी प्यार है, यू आर माई लव, यू आर माई लव। अब यहां पे देखो मेरे दोस्त, यहां पे जो माई आया ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, माई आपका क्या है जी, माई आवर योर हिज हर देयर इट्स, ये सब के सब आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब पोसेसिव एडजेक्टिव अकेला कभी नहीं आ सकता, ये जब भी आएगा तो अपने साथ में किसी ना किसी नाउन को लेकर आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे माई पोसेसिव एडजेक्टिव है जो अपने साथ किसको लेकर आया है जी, नाउन को लेकर आया है। तो माई लव बोलेंगे ये सही है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलने की कोशिश किए, क्लियर। गलती से अगर बोलने की आपने कोशिश किया कि यू आर माई लव, यू आर माई लव नहीं माई लव्स, यू आर माई, तो ऐसा बोलना क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे माई पोसेसिव एडजेक्टिव और लव आपका नाउन के रूप में आया है, और नाउन के रूप में जब आएगा तो उसके साथ एस या ईएस का यूज हम नहीं। समझ पाए, चलिए इसको मिटा दे, लिखना चाहेंगे लिख लो, सबके पास मोबाइल होगा तो फोटो खींच लो कर दे, चूंकि टारगेट में है तो इतना धीरे धीरे नहीं चलेगा, चल CHSL का आंसर किया गया है, अभी तो हमको देखने का मौका मिला नहीं, बट जैसे कि अभी क्लास माया बोला कि सर हम आपको व्हाट्सएप कर दिए 25 में 22 क्वेश्चन सही, टोटल 72,
अब व्हाट्सएप देखने के बाद पता चलेगा कि ऐसे ऐसे अभी कितना और महारथी आया है। बट इतना माइंड में सेट करके चलेंगे कि जब कर अगर दीजिएगा रिजल्ट होना तय है। और ऐसा नहीं, जब वो बंदा आया था तभी हमसे बोला था कि सर दो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, 23 क्वेश्चन बनाए हैं। क्या निखिल? दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, एक क्वेश्चन बनाए हुए हैं और एक क्वेश्चन पर हमको डाउट है। यही बात बोला था ना, दो पे डाउट था जिसमें वो गलत हुआ है। तो जम के वर्क कीजिए और थोड़ा सा स्पीड हम लोग पकड़ेंगे। अब तक आप जो भी पढ़े एग्जाम में यहां तक क्वेश्चन आने का उम्मीद बहुत ही कम बनता है। जहां तक हम लोग पढ़े, केवल हमारे पास समय एनटीएस वाला एग्जाम जो था अप्रैल में ना होकर के मई में चला गया, इस वजह से हम आपको ये सब पढ़ाए भी है। नहीं तो जो अब शुरू करने वाले हैं उसी से हम शुरू ही करते, जो अब शुरू करने वाले, समझ गए ना। और अब जो हम लोग शुरू करने वाले हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिटा दे। चलिए हाँ, अगर आप सब बोलेंगे ध्यान दीजिए तो एवरी डे आपका 20 क्वेश्चन हम 20 क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल देंगे। कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाल देंगे। हाँ, उसका हम आपको एग्जैक्ट क्लास अभी इस तरह ऑफलाइन नहीं देंगे, उस 20 क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे कि मतलब कि इसी पे समझा करके और उसको वीडियो बनाकर डाल देंगे। आप अपना देख लीजिएगा, आंसर की मिला लीजिएगा। समझ पा रहे मेरे बात को ना? तो एवरी डे 20 क्वेश्चन, लेकिन हाँ सबको अपना आंसर की भेजेगा इसका आंसर क्या होगा। और जब भी उसका हम वीडियो डालने वाले रहेंगे ना, जब उसका वीडियो डालने वाले रहेंगे उसके आधे घंटे पहले हम क्वेश्चन को डालेंगे, डालने वाले रहेंगे उसके आधे घंटा पहले। क्या बोला? हम अपने स्टेटस लगा देंगे, उसका टाइम सेट कर देंगे कि एवरी डे 3 बजे हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे और उसके 20 मिनट पहले क्वेश्चन डाल दिया जाएंगे। आ जाओ, अब टोटल क्वेश्चन आपका एग्जाम बेस्ड रहेगा। अब देखेंगे, एक्चुअली इसका नाम तो है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉर्म। कौन सा नाम है जी? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉर्म, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉर्म। और यहां से केवल आप समझेंगे कि होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ज्यादा दिमाग में नहीं तो फिर इसी में केवल हमारा 1 घंटा लग जाता है। अब समझिए, आपने नाम सुना होगा, फर्नीचर का नाम सुना है? Yes, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है जी। फर्नीचर हो गया, ध्यान दो, फर्नीचर हो गया या आपका लगेज हो गया। क्या हो गया जी? लगेज हो गया। या आपका ज्वेलरी हो गया। क्या हो गया जी? ज्वेलरी हो गया। या तो आपका सीनरी हो गया। क्या हो गया जी? सीनरी हो गया। क्लियर? या तो ज्वेलरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, सीनरी हो गया या बैगेज हो गया। समझ गए ना? ये सब के सब या हमेशा मतलब कि अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसा वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसा वर्ब? फर्नीचर इज की आर, वाज की वर, हैज की हैव, ये सब जब भी लेगा तो अपने साथ वर्ब कैसे लेगा? सिंगुलर वर्ब। अगला पॉइंट माइंड में सेट कीजिएगा, इसी से ये जो भी हमने आपके सामने लिखाया है ना, ये फर्नीचर, लगेजेज, ज्वेलरी या सीनरी, समझ रहे ना, या सब भी अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है जी? ये सब भी आपका अनकाउंटेबल होता है। क्लियर? क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। और आपको एक बात तो पता चल ही गया है, दुनिया की कोई भी नाउन जो क्या होता है जी? अनकाउंटेबल होता है, उसका प्लुरल बनाना पॉसिबल है? उसका प्लुरल बनाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि प्लुरल बनाना पॉसिबल नहीं है, दैट मींस इसके भी अंत में एस या ईएस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम में गलती आपका यहीं से कराएगा। गलती क्या कराएगा? यहाँ पे दे देगा फर्नीचर। क्या दे दिया जी? फर्नीचर दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया? फर्नीचर। और फर्नीचर में क्या कर देगा? एस लगा देगा।
यानी कि दे देगा क्या चीज, तो फर्नीचर्स। क्या दे देगा मेरे दोस्त? फर्नीचर्स। तो फर्नीचर का कभी फर्नीचर्स होगा? गलत। लगेज का कभी लगेजेज होगा? गलत। सीनरी का सीनरी जो होगा? गलत। समझ मेरे बात को ना, क्या गलती कराएगा? फिर यहाँ पर दे देगा क्या चीज, सीनरी। और सीनरी से क्या बनाना चाहेगा जी? सीनरीज। तो हमने अभी बताया यह काउंटेबल नहीं है मेरे दोस्त, यह क्या है जी? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल होने की वजह से क्या है सब? सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो भर पैसा लेगा। ये सब इंपोर्टेंट मत समझो इसको मेरे भाई, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट समझो, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन डालता है, समझ गए ना? दूसरा पॉइंट माइंड में सेट करो, आगे ध्यान दो। अनकाउंटेबल की हमने बात किया, तो कुछ और अनकाउंटेबल ले लो, ये ए जानो कि हमेशा वो सिंगुलर होगा, उसके अंत में एस आई एस का हम चर्चा नहीं करेंगे। उसी पैटर्न पे समझ लो, माइंड में एक चीज सेट कर लो कि जिस लैटिन वर्ड यानी जिस नाउन के अंत में, किसके अंत में, जिस नाउन के अंत में, किसके अंत में जी, जिस नाउन के अंत में, अंत में क्या लगा हो तो आर वाई, क्या लगा हो जी? आर वाई। क्या लगा हो? आर वाई। जिस नाउन के अंत में आर वाई लगा हो, क्या किया हो जी? लगा हो, वह हमेशा क्या होता है जी? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है जी? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। और सिंगुलर की वजह से भर पैसा, भर पैसा। माइंड में एक चीज और सेट कीजिएगा, जिस नाउन के अंत में क्या लगा हो और वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। भर पैसा लगा, समझ रहे ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ऐसे ध्यान दीजिए। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा इसके अंत में भी एस आई एस का यूज, इसके भी अंत में ध्यान दो, अंत में, अंत में एस या तो ईएस का यूज, एस आई एस का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जैसे पोएट्री का नाम सुने हैं जी, पोएट्री हो गया, समझ गया ना? क्या हो गया? पोएट्री हो गया, आपका स्टेशनरी हो गया, क्या हो गया जी? स्टेशनरी हो गया, समझ पा रहे ना? क्या हो गया जी? स्टेशनरी हो गया, मशीनरी हो गया, क्या हो गया जी? मशीनरी हो गया, जिसके भी अंत में आर वाई हो, समझ गए? इन सबों के अंत में, जिसके अंत में आर वाई हो, ये भार कैसा लगा जी? सिंगुलर भार। गलती से भी इन सबों का, गलती से भी इन सबों का अगर हम चाहे पोएट्री का क्या बनाए, पोएट्रीज बनाने की कोशिश करें, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एग्जाम में आपका यही से गलती कराता है, समझ गए ना? मिटा दे, लिख लो फर्स्ट। इसमें कुछ है जिसके अंत में आर वाई होते हुए भी एस या ईएस लगाकर पुलरल नहीं, अंत में आर वाई होते हुए भी वो पुलरल होता है और पुलरल भर लेता है, वो वर्ड हम आपको लिखा देने वाले हैं। क्या ना? ना वो नहीं आएगा। हाँ हाँ, पिसिनरी ना कर रहा, पिजेंट्री अभी चलने वाले हैं, चलने वाले हैं। अच्छा लिख लो, बोर्ड पे जगह रहेगा तभी ना जी। लिखो लिखो लिखो, फोटो खींच लो। अब समझे क्या सब अंत में आर वाई लगाओ? मिटा दे, मिटा दे। जब तुमको फोटो ही लेना था, सब ले रहा था, तो तू कहाँ था? हो गया, चलिए जी आगे ध्यान दीजिए। Yeah.
कहीं गलती से भी आपको पोएट्रीज दिख जाए, मशीनरीज दिख जाए, सीनरीज दिख जाए, तो सब का सब क्या हो जाएगा? गलत। आप ध्यान दो, कुछ ऐसा वर्ड है जिसके अंत में आर वाई होता है, क्या होता है जी? याद कर लीजिएगा इसको, अंत में क्या जी? आर वाई हो तो ये हमेशा प्लुरल होता है। क्या होगा जी? हमेशा प्लुरल होगा। हमेशा क्या होगा जी? हमेशा प्लुरल होगा। और प्लुरल होगा तो भर कैसा लगा जी? भर भी कैसा लगा? वो कौन कौन सा है ध्यान दीजिए, जैसे कि प्रेजेंट्री हो गया, क्या हो गया जी? अंत में क्या है? आर वाई है। इन्फेंट्री हो गया, क्या हो गया जी? इन्फेंट्री हो गया, अंत में क्या है जी? आर वाई। उसी तरह कवालरी हो गया, क्या हो गया जी? अंत में क्या हो गया? आर वाई है ना। उसी तरह ध्यान दो, एक मुर्गी फार्म क्या होता जी? पोल्ट्री हो गया, क्या हो गया जी? पोल्ट्री हो गया, अंत में क्या हो गया जी? पोल्ट्री। समझ गया ना, मतलब मुर्गी फार्म तो अंत में क्या आ गया जी? आर वाई आ गया। उसी तरह ध्यान दीजिए पोल्ट्री के बाद में, फिर आपका एक आ जाता है आर्टिलरी हो गया, क्या आ गया जी? आर्टिलरी आ गया, अंत में क्या आ गया जी? आर वाई। तो मेरे भाई ये पांचों जो वर्ड है, समझ गए ना, हाँ जेंट्री भी आ जाएगा, जेंट्री भी आ जाएगा। अब देखो ये जो वर्ड है इसको माइंड में सेव कर लीजिएगा, या वर्ड इसके भी अंत में आईएस नहीं आएगा, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। इन सबों के भी अंत में, इसके भी अंत में एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, या अपने आप में हमेशा क्या होता है? प्लुरल होता है। और भर भी कैसा लगा? जेंट्री इज की आर, वाज की वर, हैव की हैज, डू की डज, डू। प्लुरल भाव डज नहीं है, प्लुरल भाव क्या है? डू है। समझ गए मेरे बात को ना? एस सभी ना इसमें नहीं आएगा, वो सब इसके अलावा जो भी अंत में आर वाई लेके आएगा सबको सिंगल में मान लीजिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट पे भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यही है जो प्लुरल के रूप में आता है। समझ के मेरे बातों को मिटा दे। चलिए अब आगे एक चीज और ध्यान दीजिए, इधर 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 चलो चलो चलो, लेकिन बाद में फोटो खींचना एक साथ। अब ध्यान दी, कैटल का नाम सुना है? कैटल तुमको दिखाई दे दिया, क्या दिखाई दे दिया? कैटल तुमको दिखाई दे दिया। तुमको पीपल दिखाई दे दिया, क्या दिखाई दे दिया? पीपल आ गया सामने, कैटल हो गया, पीपल हो गया। समझ रहे ना मेरे बातों को? पुलिस हो गया, क्या हो गया जी? पुलिस हो गया। आर्म्स हो गया, क्या हो गया जी? आर्म्स हो गया। रिचेज हो गया, क्या हो गया जी? रिचेज हो गया। समझ के मेरे बातों को? रिचेज हो गया। एप्स हो गया, क्या हो गया जी? एप्स। समझ गया ना? असेट्स हो गया, क्या हो गया जी? असेट्स हो गया। माइंड में सेट कर लो ये सब, कैटल, पीपल, पुलिस, आर्म्स, रिचेज, एप्स, असेट्स, ये सब हमेशा प्लुरल होता है। ये सब हमेशा क्या होता है जी? ये सब हमेशा क्या होता है? प्लुरल होता है। और जब प्लुरल होगा तो भर कैसा लगेगा जी? प्लुरल भर लेगा। कैसा भर लेगा? प्लुरल भर लेगा। जब प्लुरल होगा तो मेरे दोस्त भर पैसा। समझे मेरे बात को ना? आप बताओ, पुलिस इज की पुलिस आर, पुलिस इज की पुलिस आर, वाच की वर, डू की डज, हैव की हैज, हैव। क्लियर? ये सब के सब हमेशा क्या होता है? प्लुरल होता है। एक बात और माइंड में सेट रखिएगा, गलती से भी इसके नाम से सिंगुलर है कि प्लुरल है? कि नाम से ही क्या है? नाम से ही प्लुरल है। तो अब इसके बाद या अब इसके अंत में, इसके अंत में गलती से भी एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको कहीं भी आ गया कैटल्स, क्या आ गया, तो सही होगा कि गलत होगा? कभी भी इसका एस या ईएस लगाकर इसका प्लुरल नहीं बनाया जा सकता मेरे भाई। ये ऑलरेडी प्लुरल है तो अब क्या प्लुरल बनाओगे?
ये तो पहले से प्लूरल है ना जी, जब ये पहले से प्लूरल है इसका और प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं, समझ गया ना मेरे बातों को। तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, आर्म्स सॉरी कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा, पीपल्स नहीं होगा, पीपल होगा प्लूरल के अर्थ में। पीपल का, पीपल का अगर प्लूरल बनाने के लिए आपने एस डाला तो अपना मीनिंग चेंज कर देते, वो हो गया कंट्री देश, समझ गए मेरे बातों को ना। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत, धानी रिचेज मतलब धानी मनी, हाँ रिच मतलब धानी, अरिचे मतलब धानी व्यक्ति। हाँ चलो लिखिए फटाफट, मिटा दे जी, ना ना अलग दुनिया उसा उतना डीप में जाने के लिए फाउंडेशन। और सोचो जरा इसी नाउन को पढ़ाने के लिए हम एक महीना पढ़ाते हैं, नाउन को 1000 क्वेश्चन कराते हैं, और उसी नाउन को हमको मैं भी कल सैटरडे, कल सैटरडे कल भी क्लास आपका है, समझ गए ना, कल भी आपका क्लास है, टाइमिंग आपका टेलीग्राम पे डाला जाएगा, क्योंकि हम और जीके जीएस वाले सर थोड़ा सा बातें करेंगे, क्या पता कहीं उनका भी अपना प्लानिंग हुआ कल 2-3 घंटे का क्लास लेने का, हमारा भी, हमारा भी प्लानिंग है भाई कल नाउन समाप्त करने का, तो कल सैटरडे है इसीलिए सारा फाउंडेशन अपना ऑफ किए हुए, मिटा देते हैं। अब देखिए अब आप देखो मेरे भाई, इधर एडजेक्टिव नाम सुना है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम होता है जो नाम को क्वालिफाई करे, राइट। एडजेक्टिव का काम क्या होता है नाउन को, हम बोल दे पुअर तो बोलिएगा ना क्या, अरे पुअर का पूछो तो होगा ना, हम बोले के रिच का थी, कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये एडजेक्टिव चाहे पुअर पीपल बोलो या रिच पीपल बोलो, कुछ भी तो बोलोगे यार, समझ गए ना। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, ये एडजेक्टिव के पहले गलती से भी हमने आर्टिकल द लगा दिया, क्या लगा दिया जी, आर्टिकल द लगा दिया। तो या प्लूरल नाउन का काम करता है जी, उसके संपूर्ण जाति का बात करने लगता है, किसका बात करने लगता है जी, प्लूरल नाउन का, यानी कि उसके संपूर्ण जाति का बात करने लगता है, समझ गए मेरी बातों को। कहने का मतलब अब देखो, मैंने एग्जांपल दिया था जैसे हमने बोल दिया रिच धनी क्या चीज, अगर वही डाल दिया द रिच, तो द रिच मतलब संपूर्ण जाति, यानी द रिच का मतलब ही हो गया धनी लोग, क्या मतलब हो गया जी, धनी लोग, समझ रहे बातों को ना। उसी तरह मान चलो सिख, सिख के पहले हमने क्या डाल दिया जी, द सिख, तो इसका मतलब हो गया क्या चीज, बीमार लोग, क्या हो गया जी, बीमार लोग। उसी तरह यहाँ पे हमने डाल दिया पुअर, और यहाँ पे डाल दिया द, पुअर का मतलब हो गया पुअर गरीब, गरीब क्या, उसके पहले द, तो हो गया क्या चीज, गरीब लोग, क्या हो गया जी, गरीब लोग। बताने का जरूरत नहीं पड़ा मेरे भाई, ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम द रिच मतलब, द रिच का मतलब क्या हो गया, धनी लोग हो गया ना। एग्जाम में गलती क्या कराएगा, यहाँ से सीधे देगा द रिचेज, क्या देगा, द रिचेज। अब बताओ द रिच का मतलब हो गया प्लूरल, कौन है जी, द रिच का मतलब ही हो गया धनी लोग, तो उसमें अब ईएस लगाना जरूरी है, है जरूरी, द रिच का मतलब ही हो गया प्लूरल, उसमें ईएस की क्या जरूरत है, समझ गए ना। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम में गलती कराएगा, द सिख जहां पे है वहां पे क्या कर देगा एग्जाम में, द सिख, समझ गए ना। अब बताओ मेरे भाई, द सिख का मतलब हो गया गरीब बीमार लोग, इसमें एस लगाने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत, तो इसीलिए आपका क्या हो गया जी। उसी तरह यहां से गलती कराएगा द पुअर्स, पुअर्स भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
समझने में कोई दिक्कत? और देखो ये सिंगुलर हुआ कि प्लुरल हुआ? क्या हुआ? प्लुरल। द रिच इज किया, वाज की वर, डू की डज, हैव की हैज, कोई दिक्कत? ये सब हो गया नाम से अपना प्लुरल, जैसे इसके पहले द का हमने यूज किया आपको, तो हो गया जब प्लुरल तो भर भी कैसा लगेगा जी? कोई दिक्कत? चलिए इसको लिख लीजिए। क्या चीज? ना ना, द रिच पीपल भी नहीं होगा, केवल रिच पीपल हो सकता है, पुअर पीपल हो सकता है, द पुअर पीपल नहीं होगा। और उतना के लिए टारगेट, सॉरी, अच्छा बता दूंगा अगले क्लास में, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी जीके जी सवाल सर क्लास लगे।